Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.4. Question number 5. Let A is equal to minus 1, 2, 3, 0. B is equal to what? 1, 2, minus 1, 2, minus 3, minus 5, and C is equal to 2, 1, 1, 3. Now, third part, A times B plus C is equal to AB plus BC. करने के हैं इसमें इस सेट को ले ले ए मैट्रिक्स हमारे पास है ए टाइम्स बी प्लस सी ए मैट्रिक्स प्लस ब्रैकेट बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स कौन सा वाला है हमारे पास है माइनस वन थ्री टू जीरो ये है 1, 2, minus 3, minus 5, ये वाला है 2, 1, 1, 3. First operation, this one, ब्रैकेट वाला पहले करना पड़ता है, तो क्या बनेगा जैसे, minus 1, 3, 2, 0, plus 1, plus 2, that is 3, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2, that is minus 3. Sorry, this multiplication. Now, here, first row with first column, both are the right? So, minus 1 multiply by this 3, here plus 3 multiply by this 2. 3 and 2. Next one. यहाँ से here minus 1 multiply by this 3 plus minus 1 this 3 and 3 with this 2. That is 3. First row with first column ये बन गया, first row with second column ये बन गया। अच्छा, next one, फिर यहाँ से इसको इससे करना है, 2 multiply by what? 2 multiply by 3 and 0 multiply by minus 2. Right? It is 3, it is minus 2. Next, 2 multiplied by 3 and 0 multiplied by minus 2. The already pitched in the middle of the CC crossed out. Okay? So, what do you see? 2 multiplied by 3 or plus 1. Here is your 2 multiplied by minus 2. इसमें जो आपको नजर आ रहा है 3 3 3 minus 2 minus 2 3 3 minus 2 minus 2 ये इसकी एलिमेंट से और ये जो आपको नजर आ रहा है minus 1 2 3 0 minus 1 2 3 0 राइट कर लेंगे इसमें minus 3 is minus 6 अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहा है इसका आंसर नेगेटिव आएगा राइट इसका आंसर क्या है माइनस सिक्स फिर माइनस मतलब प्लस सिक्स तो वही बन सकता है क्या से क्या बन गया सिक्स प्लस जीरो यहाँ से माइनस थ्री माइनस सिक्स यहाँ से सिक्स माइनस फोर अगला क्या करना है इसमें माइनस नाइन और माइनस नाइन दिस सिक्स
there is two. इस क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे दे या स्टार वन में नाम दे दे, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद में क्या करना है, ए को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है बी से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, ए भी होगा। चलो मैं थोड़ा सा दूसरे साइड का ये करना है कि ए बी ए सी का, ए बी प्लस ए सी ए बी हम कैसे करेंगे, प्लस ए सी राइट। ए को बी से मल्टीप्लाई करने की सेल अभी करा चुका हूं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से अभी भी मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेशन नंबर स्टार टू का नाम देंगे, आपका स्टार वन स्टार टू सेम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने काम करना है, ये आप लोग खुद ही कर लें। बचता है क्वेश्चन, इसमें एक और पार्ट भी है ए बी सी, एक ही पार्ट भी है पार्ट टू का, जिससे मैं देता हूँ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और जो प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है, पहला बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तरतीब ये होगा कि पहला ए होगा बाद में बी सी। यहां पहला ए बी सी मल्टीप्लाई होगा, पहला ए बाद में बी, जो आंसर आएगा फिर वो आंसर पहला होगा बाद में सी होगा फिर मल्टीप्लाई करना, तो ये होता रिजल्ट और वो रिजल्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वही तरीका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब मैं तफसील से करा दूँ, ठीक है सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वन टू थ्री जीरो, बी इज इक्वल टू वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। फर्स्ट पार्ट में है वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, थोड़ा सा नहीं पहला ए मालूम करना है, ए बी ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स माइनस वन थ्री टू जीरो वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, ब्रैकेट मल्टीप्लाई ए की चीज है राइट। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय व्हाट माइनस फाइव, टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट वन एंड थ्री मल्टीप्लाई बाय व्हाट और जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। फिर टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय व्हाट माइनस फाइव राइट। यहां से बनेगा वन वन टाइम्स वन माइनस वन दैट इज माइनस थ्री और माइनस नाइन टू वन जार टू प्लस जीरो टू वन जार टू माइनस टू 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 जार फाइव थ्री फाइव जार फिफ्टीन
4, it is 0. आगे का आंसर आ जाएगा -10 -17 2 4 राइट। ये है आपके पास ए बी। अभी आप लोगों ने ए बी, इन्होंने ए बी का नहीं, ए बी ट्रांसपोज का भी बोला है। ट्रांसपोज अलरेडी मैं आप लोगों को वर्क पार्ट में करा चुका हूँ कि हम क्या क्या करना है। हमने उसको जो रो है उसको कॉलम में लिख जाएंगे और कॉलम में जो है वो रो रो बदल जाएंगे राइट। ये ए बी इज इक्वल्स टू -10 -17 2 4, ये वही ए बी की वैल्यू है राइट। अभी ट्रांसपोज है तो इस तरह का ट्रांसपोज कर लो, लगा दिया। अभी ये जो रो है ये कॉलम में जाएगा और ये वाला रो जो है ये इसी कॉलम में जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में जाएगा, ये एक साइड हो गया। दूसरी का हमें क्या करना है, दूसरी का हमें ये करना है कि बी का, बी नहीं, बी का ट्रांसपोज हमें लेना है। ठीक है, ले लिया। कैसे लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। फिर जो है ना बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी क्या है, 1, 2, -3, 5 इसके ऊपर ट्रांसपोज भी है और ए -1, 3, 2, 0 इसके ऊपर कैसे ट्रांसपोज मौजूद है। अभी ट्रांसपोज पहले हम खत्म करेंगे तो क्या होगा, ये 1, 2 u आएगा और ये -3, 5 u जाएगा। ठीक है, वैसे जीरो -1, 3 और 2, 0 क्या क्या मैंने u और एलिमेंट है उसमें मैंने शिकल में लिख लिया, मतलब रो को कॉलम की शिकल में लिख लिया। फिर इसके बाद वही तरीका है कि फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर -1 आगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 राइट। ये अलग चीज सिखा चुका हूँ, मैं थोड़ा सा उससे करता हूँ ताकि वीडियो छोटी बने। -1 -9 2 0 -2 -15 and what 4 plus 0 तो क्या बन गया -10 2 -17 and 4। क्वेश्चन नंबर और शुरू का आंसर क्या है, सेम आया हुआ है। ठीक है, तो यही है। तीसरा है हमारे पास सी भी एक मैट्रिक्स गिवन है अगर इसका, तो उसमें है कि बी सी इज इक्वल टू व्हाट, सी ट्रांसपोज बी सी ट्रांसपोज ए बी सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ठीक है, वो भी इजी है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह।